तुम अगर अपने बाबा से ही बात कर रही थी तो इसमें छुपाने की क्या जरूरत थी? कम से कम बहन को तो बता सकती थी ना। लेकिन अम्मी, उन्होंने मुझे कॉल किया था, एमन को कॉल नहीं की थी। एमन ने तो बाबा को अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया है, लेकिन मेरे लिए वो जिंदा है। अल्लाह उन्हें हमेशा हयात रखे, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन अम्मी, एमन ये नहीं चाहती, वो तो उन्हें अपना दुश्मन समझती है। अम्मी, बाबा बिल्कुल अकेले हो गए। आपको पता है, अलमास हैदराबाद चली गई है, वो सखर में, हमारे अपने घर। सखर में? कैसे हरे भरे दिन थे, लगता है किसी हासिद की बुरी नजर खा गई हमारी खुशी। अब वो वहां है और हम यहाँ। तो अम्मी, क्या आप, ऐसा नहीं हो सकता कि हम चार फिर से साथ रहने लग जाएं? कोई तो हल होगा, कुछ तो होगा। अम्मी, तुम अभी बच्ची हो, ये सारे मामलात नहीं समझ सकती। जा मुंह हाथ धो और जाके खाला का हाथ बटाओ, अकेली काम कर रही है वो। अम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। अब तो आपकी इद्दत भी खत्म होने वाली है, आपने आपने क्या सोचा है आगे का? करना क्या है, वही जो सोचा था। खैर से फरीद की शादी खत्म हो जाए, फिर हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा कमा लेती है मैं, कहीं और चले जाएंगे हम। अम्मी, हम ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं? अब तो बाबा भी नहीं होंगे हमारे साथ, हम कैसे रहेंगे? अम्मी, अम्मी बाबा को वापस ले आए, हम फिर से साथ रहेंगे, कितना मजा आएगा। अम्मी प्लीज कुछ करें ना। अम्मी, अम्मी बाबा को वापस लेके आ जाए प्लीज। अम्मी, सब जा चुके हैं आप, अभी तक ऑफिस में ही हैं? सर वो काम रह गया था ना, तो वो खत्म कर रही थी। घर से वैसे बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मैं चलती हूँ। इमन, मैं आपके काम से आज बहुत मुतासिर हूँ। थैंक यू सर। अब मुझे यकीन हो गया है कि ज़ैन जरूर नंबर वन पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। अपनी बीमारी और घरेलू मसाइल के बावजूद आपने इतना दिल लगा के काम किया, आई मस्ट से आप इनाम की मुस्तहक हैं। सर आपकी तारीफ ही मेरे लिए नाम है।
अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है ना, और कराची के शहर के हालात का तो आपको पता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ, और ड्रॉप करने से पहले हम डिनर भी कर सकते हैं। नहीं सर, वो थैंक यू, लेकिन मुझे इस वक्त भूख नहीं लग रही है। घर पर भी सब इंतज़ार कर रहे हैं ना, फोन्स आ रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है, बात यह है कि मैं चाह रहा था कि आपके साथ मजीद कुछ वक्त गुजारूँ, कुछ बातें करूँ दुख सुख की। क्या मतलब? मतलब सर आप घर जाएं ना, आपकी फैमिली होगी, आपको इंतज़ार कर रही होगी, जैसे मेरी फैमिली इंतज़ार कर रही है मेरा। देखिए, मेरे घर पे चार मुलाजिम और दो कुत्तों के अलावा और कोई भी नहीं है, वही मेरे दोस्त भी हैं और मुहाफिज भी। वैसे अगर आप मेरे साथ डिनर नहीं करना चाहती तो मुझे इतना हक तो दें कि मैं आपको बाहिफाजत घर ड्रॉप कर दूँ। कराची के हालात का तो आपको पता ही है ना, खामखा किसी चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएंगी आप। नहीं नहीं, खुदा ना करे सर। अच्छा मैं अम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ फिर। फ़ोन आप गाड़ी में भी कर सकती हैं। देखिए ये ऑफर महदूद मदद के लिए है। जी ठीक है। आप इतना खामोश क्यों बैठी हैं? ऑफिस में तो बहुत बोलती हैं। कुछ नहीं सर, बस वो थकन हो रही है, एनर्जी खत्म सी हो गई है। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कुछ खा लेते हैं। चलें अब मैं किसी रेस्टोरेंट से टेक अवे कर लेता हूँ। नहीं नहीं प्लीज ऐसे मत करिएगा, आप मुझे घर ही छोड़ते हैं। मेरी आदत नहीं है इस तरीके से रेस्टोरेंट्स में जाकर गैर मर्दों के साथ खाना पीने की। वो दरअसल क्या है ना कि हम बड़े सीधे साधे से लोग हैं, सब साथ मिलकर खाना खाते हैं रात को, क्योंकि दिन के हाल चाल बताने होते हैं खालूबा खालम्मी अम्मी को, तो इसलिए। आपने तो ये कह के मेरी तन्हाई में और भी इजाफा कर दिया। मेरा मकसद वो नहीं था सर, I'm so sorry। क्या है ना, बचपन से ही मैं कोठी में अकेला रहा हूँ। डैड अपने बिजनेस और मामा पार्टीज में बिजी होती थी, फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया, और जब वहाँ से वापस आया। सर मेरा घर आ गया, ये आप यहीं पर रोक दें, उसी गली में मेरा घर है। वो क्या है ना सर कि आपकी गाड़ी बड़ी है और हमारी गली तंग है, तो अंदर जाएगी नहीं गाड़ी। साफ साफ कहिए ना, आप अपना घर नहीं दिखाना चाहती कि कहीं चाय ना पिलानी पड़ जाए। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आप यूँ कह दें कि ये मोहल्ला ज़रा तंग नज़र है। अब मैं आपकी गाड़ी से इस वक्त बाहर निकलूँगी तो लोग काफ़ी सारी बातें करेंगी, और फिर वो हज़ार बातें जो है खालूबा को पहुँचेंगी, तो मैं नहीं चाहती कि ये सब मसली मसाइल हैं। मुझे नहीं लगता था कि आप लोगों से डरती होंगी। सर डरने की बात नहीं है, बात यह है कि इंसान को एहतियात बरतनी चाहिए। अब लोग इतनी बातें करेंगे, इतनी तंग नजरी से देखें, इससे बेहतर यह है कि हम अकलमंदी से काम लें और उनकी तंग नजरी से बच जाएं। खैर मैं चलती हूँ, पीर को आपसे मुलाकात होगी क्योंकि कल तो छुट्टी है ना। और हाँ, मंडे को आपके लिए एक सरप्राइज है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। एमी है ना, देख लग तो रही है। देख रहे हैं ना अपनी बहन के कुर्तूत। छोड़ यार, ये रात को शरीफ लड़कियों के घर आने का टाइम है। छोड़ छोड़, चल चाय पीते हैं। सलाम अलैकुम खालूबा। क्या बात है, इतनी सांस क्यों खोल रही है, पैदल चल कर आ रही है? जी वो हाँ थोड़ा दूर से आ रही हूँ पैदल। आप अकेले क्यों खाना खा रहे हैं, बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे वो तुम्हारी खाला अभी अंदर गई है, तुम लो ना। हाँ लेती हूँ, बड़ी भूख लग रही है। असल में तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम जिम्मेदारी हो मेरी, और फरीद भी अब तक नहीं आया, पता नहीं किन हवाओं में उड़ता फिर रहा है आजकल। खालूबा मैंने अम्मी को बता दिया था कि मेरी छुट्टी देर से होगी और ये कि मेरे बॉस मुझे छोड़ देंगे घर तक, तो इससे फिक्र करने की कोई बात नहीं थी। तो ऑफिस की गाड़ी में आई हो? नहीं खुद छोड़ा उन्होंने, कह रहे थे कि रात देर सफर करना ठीक नहीं होता, तो इसीलिए खुद ही ड्रॉप कर दिया। अच्छा आदमी मालूम होता है, तभी तो इतनी अच्छी सोच है उसकी।
किसने बनाया ये? खाला अम्मी ने बनाया है। अम्मी के हाथ को तो बिल्कुल नहीं लग रहा। आज का खाना मैंने बनाया है। वाह। अम्मा से तरकीब पूछी, तुम्हारी अम्मी ने और खाला ने मदद की और मैंने पूरा किचन फैला दिया। किचन का सत्यानाश, दोनों सफाई करते हुए बड़बड़ाती रही। किचन गंदा लेकिन खाना उम्दा। ये बात हुई ना, इसीलिए कहते हैं दुनिया के बेहतरीन शेफ्स मर्द हजरात होते हैं। बड़ा जायका है आपके हाथ में, मजा आ गया। अरे तो क्या करता, बिस्तर पर पड़े पड़े थक गया था और बैंक ने मजीद छुट्टियां बढ़ा दी। अब फरीद की दुल्हन आए तो फिर ऑफिस जाऊं। ठीक है राम। हलवा, घर की मरम्मत वगैरह नहीं करवाएंगे आप? देखिए रंग खराब हो रहा है, टाइल्स भी बदलवाने से हैं के बाथरूम के नल्स, कुछ बजट वगैरह निकाले ना। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो रो रो कर आधा हो चुका होता, और पता नहीं कुछ नहीं होता। खालूबा, फरीद की खुशी में ही मेरी खुशी है, बस अब तो ये दुआ है कि वो रायमा के साथ खुश रहे। जीती रहो। और लो। बैठ, हाँ ले लो, तू चाय दे यार। देख लिया ना तूने अपनी आंखों से, अब पूछूंगा जलेबी से, बड़ी हिमायत करता था ना अपनी बहनों की, रात के इस वक्त डिफेंस वाले की गाड़ी से उतर के गई है। हमारी बाइक में कीड़े पड़े? क्या हो गया यार, गाड़ी से आने का मतलब तुम लोग गलत ही समझते हो हमेशा। रात को लड़के भी तो जॉब करते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। अबे रहने दे जॉब, इतनी खूबसूरत लड़की कोई छोड़ेगा उसे? जरूर दो चार मुर्गे पास रखे होंगे उसने, इसीलिए तो अपने फरीद को भी छोड़ दिया उसने। हाय मेरा दोस्त फरीद, इसी लड़की की खातिर मुझे मुक्का मारा था, आज अपनी आंखों से देख रहा है ना इसके करतूत। यार रमीश, किसी लड़की के बारे में ऐसी घटिया बातें नहीं करते। अबे तेरी औकात, अब तू मुझे समझाएगा किसके बारे में क्या बात करनी और क्या नहीं करनी? अपने काम से काम रखा कर। आने दे आज फरीद को, उसको भी बता ही दूं उसकी कजन के करतूत क्या करती फिर रही है सालियां। यार रमीश, तुम गंदी सोच के मालिक हो, इसलिए दूसरों को भी गंदा समझते हो। कभी अपने गिरबान में झाके देखा है तुम क्या क्या करते हो? लगता है तेरा दिमाग भी ठीक करना पड़ेगा, दो पड़ेंगे तेरे कान के नीचे, चल निकल यहाँ से। नहीं पीनी तेरी चाय भाई, कोई डॉक्टर या नर्स अभी रात को घर से आते हैं ना, तुम लोग यही समझते हो धंधा करके, थू ला रहे थे तुम लोगों पर, जा रहा हूँ, नहीं पीनी तेरी चाय। वाह भाई, आजकल बहनों की बड़े हिमायती हो गए यार, ये चाय वापस ले जा या किसी गरीब को पिला दे। अरे लड़की, ये मोटर भी चल रही है और पानी भी बह चला जा रहा है, होश में तो हो तुम? ये हवा से नहीं चलती, बिजली से चलती है, और बिजली का तुम्हें पता हमने कुंडा नहीं डाला हुआ। माफ कीजिएगा खाला, भी मुझे ख्याल नहीं रहा, वहाँ सखर में तो खुला पानी आता था। तुम्हारा सखर नहीं है, ये कराची है, यहाँ सांस लेने के भी पैसे लगते हैं, समझ आई? बंद करो मोटर। अरे हर महीने इतना लंबा बिल आता है, हम कोई कुंडा थोड़ी डालते हैं। वैसे एक बात बताओ, आज तुम दोनों बहनें घर पे कैसे, और तुमसे तो एक रोटी नहीं डलती, इतने सारे कपड़े कैसे धो? दोनों बहनें सैर सपाटे पे नहीं गई? खाला भी, वो आज इतवार है ना, छुट्टी भी है, कपड़े जमा हो गए थे, और बाकी छह दिन हम कोई सैर सपाटे पे नहीं जाते। ईमान अपने बुटीक जाती है और मैं ट्यूशन जाती हूँ। हमें क्या पता, हमारे लिए तो इज्जतदार नौकरियाँ सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टरों की है, हमें क्या पता पार्लर में और बुटीक में क्या होता। जी नहीं खाला भी, वहाँ भी इज्जतदार औरतें मेहनत करती हैं। अगर इतनी ही मेहनत मर्द करें तो खश खाकर गिर पड़ेंगे। जाएं जरा कभी ईमन के साथ, मालूम हो जाएगा आपको। अरे अल्लाह माफ करे, मैं क्यों जाऊँ एमी के दफ्तर, और हमें दर बदर फिरने की जरूरत भी क्या है? मेरे फरीद की तो शादी हो जाएगी, बहू घर में आ जाएगी, वैसे भी तुम लोग भी तो 15 दिन के मेहमान हो, फरीद की शादी के बाद जरा चलने की करना। जी ईमन मकान देख रही कराएगा, करीब नहीं। क्यों करीब क्यों, दफ्तर के पास देखो ना, रातों को आने जाने में आसानी होगी,
ایمن تو ویسے بھی بہت ترقی کر رہی, کل رات میں اس کا باس چھوڑنے آیا تھا ہے نا. خالہ بھی قبر کا حال مردہ جانے, اگر ہم آپ کے در پر آ پڑے تو ہمارا دل مت دکھائیں, اگر ہماری آہ لگ گئی نا تو آپ کا یہ ہستا بستا گھر اجڑ بھی سکتا ہے. اے لڑکی بد دعائیں دے رہی ہو, خیر جا بتاتی ہوں. تو مجھے بد دعائیں دینے پہ اتر آئیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں خالہ بھی, خدا کرے آپ خالو با اور آپ کی اولاد کو اللہ میاں بہت ساری خوشیاں دیں. خالو با کے کہنے پر ہی ہم نے جانا ملتوی کیا اپنا. واہ بٹیا واہ, خالہ سوتیلی خالو ابا سگے ہو گئے, یہ عجیب رشتے گڑھ لیے تم لوگوں نے. خالہ بھی آپ کب سے اتنی تنگ دل ہو گئی ہیں, یا پھر کوئی اور بات ہے؟ کوئی اور بات کیا ہوگی, ویسے بھی تمہاری بہن ایمن نے میرے فرید کو اس طرح سے ٹھکرایا جیسے کوئی فقیر کو دھتکارتا ہے کہ جاؤ جاؤ معاف کرو. ماں ہوں میں, پھر بھی دیکھو اس حرکت کے باوجود بھی میرا دل کتنا بڑا ہے. آپ ہمیشہ کی طرح درست ہیں, اور ہم خالو اب اگر آپ کی اجازت ہو تو دو پانی بالٹی اور استعمال کر سکتی ہوں, یہ دو جوڑے کھنگال ہیں. ارے میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں, میری اجازت کے بغیر تم نے تنو منو پانی بہا دیا, میری اجازت سے کیا دو کپڑے دھونے جا رہی ہو؟ بڑھیا ہی کہیں سے پانی بند کرو اور موٹر بھی. ارے بھائی منظور, تم نے گھر پہ تو ناشتہ کیا نہیں, میں تمہیں یہاں ناشتہ کرواتا ہوں. بھائی ناشتہ لے آؤ, میرا بھائی بھوکا بیٹھا ہے. نہیں نہیں شوکت بھائی, میری تو بھوکی مر گئی ہے, کھانا سامنے بھی پڑا ہو نا, دل نہیں کرتا کھانے کو. ارے میں تمہیں ناشتہ کرواتا ہوں نا. ارے بھائی ناشتہ لے آؤ, ہمارا بھائی بھوکا بیٹھا ہے. نہیں نہیں بھائی شوکت, رہنے دیں. آپ یہ بتائیں کہ بختاور اور اس کا بچہ کہاں ہے؟ جب سے آئے ہیں اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. ارے گئی ہے اپنے میاں کے ساتھ, لینے آیا تھا وہ, مہینہ تو اس نے وہیں گزار دیا اللہ اللہ کر کے. بھائی منظور بیٹیاں تو اپنے گھروں پہ اچھی لگتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بھائی شوکر, میری تو آج کل روزانہ سمن سے بات ہوتی ہے. میں اتنا انتظار کرتا ہوں کہ کب 11 بجے اور میں اس کو فون کروں. یہ 11 بجے کا کیا مسئلہ ہے, اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اچھا اچھا, اس سے پہلے ایمن جو گھر پہ ہوتی ہے فوجی افسر کی طرح. اچھا منظور ایک بات بتاؤ, یہ کس پہ چلی گئی ہے تمہاری بیٹی؟ ہماری تو سات پیڑھی میں ایسا خر دماغ بندہ پیدا نہیں ہوا, نہ ہمارے باپ ایسے تھے, نہ دادا نہ پردادا. ہاں ایک ماموں تھے, یاد ہے جلال ماموں جو 71 کی جنگ میں کھو گئے تھے؟ یاد ہے مجھے, اماں بتاتی تھی بہت ہی سخت مزاج آدمی تھے, ہر ایک سے لڑائی جھگڑا, ضد کرنی, کسی کی نہیں ماننا. میرے خیال میں کسی محاذ پر شہید ہو گئے ہوں گے وہ. بس اسی پہ چلی گئی ہے یہ تمہاری بیٹی, اچھا ہوا خلیل کے پلے نہیں پڑی. بھائی جس مرد سے اس کی شادی ہوگی نا, اس کا تو بینڈ بجا کے رکھ دے گی. بھائی شوکت, آپ یہ ہر بات پہ اس کا تذکرہ کیوں لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ وہ جیسے کہ انگور کھٹے ہیں. معاف کرنا خلیل ویسے اس کے لائق تھا بھی نہیں, میٹرک فیل, نہ کوئی عقل نہ کوئی تمیز. آپ نے اتنے پیسے لگا کر اس کو لاکھوں روپے کی اسٹیشنری کی دکان بھی کھول کے دی, رو پیٹ کر وہ بھی نقصان میں چلا رہا ہے. نقصان تو تم نے بھی بہت کیا تھا میری دکان کا, یاد ہے 35 لاکھ ڈبوئے تھے. یہ اور بات ہے کہ میں کبھی جتاتا نہیں ہوں. میں اپنے گھر کی طرف گیا تھا, وہاں پہ ہائی وے بن رہی ہے, لوگ دھڑا دھڑ اپنے مکان بیچ بیچ کر امیر ہوتے جا رہے ہیں. پاگل ہو گئے سب, آبا اجداد کی جائیداد ایسے بیچ رہے ہیں کوڑیوں کے مول, لالچ میں اندھے ہو گئے. اچھا چھوڑو, میں تمہیں دیسی ککڑ کھلاتا ہوں, مزہ آ جائے گا. ارے بھائی دیسی ککڑ کی کڑھائی لے آؤ ذرا. ہاں میں ابھی گھر پہنچا ہوں یار, بہت تھک گیا ہوں. تم اس طرح کرو کہ تم چلے جاؤ, میں شاید آج نہ جاؤں تم لوگوں کے ساتھ. فرید ہولڈ کرو, مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے, میرے کمرے میں آؤ. جی اب آپ چلے, میں آتا ہوں. اچھا میں تمہیں کال بیک کرتا ہوں. اوکے
समन क्या कर रही हो? वक्त जाया कर रही हूँ और क्या, एक वक्त ही तो है मेरे पास, इसे जाया करके मुझे बहुत खुशी होती है। वैसे अगर आप एमी को ढूंढ रहे हैं तो वो अम्मी के साथ जरा बाहर गई है मार्केट में, आज उसकी छुट्टी भी है। इतनी डिटेल नहीं पूछी मैंने तुमसे। अच्छा एक बात तो बताएं, रायमा का मेकअप आप किस सैलून से करवा रहे हैं? मैंने सुना है कि किसी बहुत ही फेमस सैलून से करवा रहे हैं जहाँ बहुत अच्छी अच्छी मॉडल्स भी आती हैं। तुम्हें पता है तुम टीवी बहुत ज्यादा देखती हो, तुम और दादी दोनों। हाँ ना, दादी को तो इंडियन टर्किश सभी एक्टर्स का पता है, इश्के मम्मू वो कोई 6 मरतबा देख चुकी हैं, और महलूर की तो वो दीवानी है दीवानी। बाय द वे आप मुझे शरारा बनवा कर दे रहे हैं ना, आई मीन अपनी शादी के लिए? हाँ 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 क्यों नहीं, कितने तक का बन जाएगा? 2000-3000? जी नहीं, मैं ऐसे चीप कपड़े नहीं पहनती, मुझे कम से कम 15,000 तक का तो चाहिए, जैसे कोई अच्छा ब्रांडेड डिजाइनर शरारा। समन तुम पागल हो गए हो, मुझे क्या पता इन सारी चीजों का। फरीद आ जाओ, कहाँ रह गए? जी अब्बा आया। देखा ना बातों में लगा दिया तुमने। हेलो। हेलो बेबी, कैसे हो? कहाँ हो? कोई फोन नहीं 2-3 दिन से, होश में तो हो? कहीं किसी औरत से चक्कर वक्कर तो? चुप भी करो, तुम्हारी तो रेलगाड़ी चली जा रही है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अकेला बैठा तुम्हें याद कर रहा हूँ, बस चाय पी रहा हूँ। अकेले क्यों? तुम्हारा भाई तुम्हें चाय पानी तक नहीं पूछता? वैसे तुम वहां रह क्यों रहे हो? तुम्हारा तो अपना मकान खाली पड़ा है ना, चले जाओ वहां, 2-3 दिन में मैं भी आ जाती हूँ। नहीं नहीं ये गजब मत करना, उस मकान पे तो ताला लगा हुआ है, एमएन ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेके उसको सील करवा दिया है। मैं तो खुद भाई के घर पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ, ना काम है ना काज, अजीब सा अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। माय गॉड ये क्या बात की तुमने, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा खर्चा भिजवा देती हूँ, 25,000, ऐसा करना कि भाई के हाथ पे रख देना। यहाँ नए ऑफिस में बहुत काम होता है मुझे मंजूर, सुबह जाती हूँ थक जाती हूँ, रात को 10 बजे तक होटल पहुँचती हूँ और आकर सो जाती हूँ। तुम यहाँ आके करोगे भी क्या? अलमास अगले हफ्ते मैंने आना है तुम्हारे पास हैदराबाद, जब से तुम गई हो हमारी मुलाकात ही कहाँ हुई। हाय अल्लाह, तुम्हारी यही बातें तो मुझे लूट लेती हैं। चलो कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मन सॉरी यार, वो जरा मेरा दिमाग घूम जाता है ना तो मैंने तुम्हें डांट दिया। तुम कितनी स्वीट हो ना, मैंने इतना डांटा भी और फिर भी तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि तुम मेरी छोटी सी प्यारी सी मैना हो ना, इसलिए। सुन सुन सुन, तुम जब हंसती हो ना तो मेरी दुनिया रोशन हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने अपने लिए क्या लिया? मैंने अपने लिए कुछ खास, ये अम्मी के लिए, ये अम्मी का सिंदूर। तो तुम मुझे एक बात बताओ, शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, तुम खुद से कपड़े सीलोगी सारे? भूल गई, चांद रात में तुम्हारे 2-2 जोड़े कौन सिया करता था, सुबह नमाज से पहले तुम्हें जोड़े तैयार नहीं मिलते थे? मैं हूँ ना, हूँ ना।
ये देखो दूसरी और डिजाइन देखो, दिखाओ तुम्हारे जो दूसरे दिन के जो ना माइयों के कपड़े, इसके लिए मैंने, हाँ ये देखो ये रहा। नहीं ये वाला नहीं, क्यों कोई और नहीं। बैठो। बेटा मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा वलीमा घर पर हमारे खानदानी रवायत के मुताबिक हो। लेकिन अब्बा वलीमा हॉल में करने में क्या मसला है, यहाँ आगे इतने अच्छे हॉल खुल गए हैं और मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हारी जेब में बहुत सारा पैसा है और तुम्हारे पास वो एटीएम कार्ड है, जादू का चिराग खुल जा से खजाने का मुंह खुल गया। लेकिन बेटा मैं उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैंने शायद तुम्हें याद हो बचपन में तुम्हें कुछ कहानियां सुनाई थी, उनमें एक कहानी थी अली बाबा 40 चोर, और मैं चाहता था कि तुम बड़े होकर अली बाबा बनो, जो भरे पूरे खजाने में से भी सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक जवाहरात उठाता है, लेकिन तुम तो उसके भाई कासिम बन गए। भाई ऐसी बात नहीं है, मैं बड़ी मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ। लेकिन उसके लिए तुमने जिस जीने का इस्तेमाल किया, रायमा बेटी का, मुझे उस पर एतराज है। मैं अपने और अपने रिश्तेदारों के पेट में रिज़्क़ हलाल डालना चाहता हूँ, इसलिए वलीमे के खाने का इंतजाम मैं खुद करूंगा। ठीक है वो जैसे आपके खुशी। ठीक शुक्रिया, अब जा सकते हो। एमन 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 रुको, क्या हो गया तुम मुझसे नाराज हो क्या? आखिर क्या कह दिया मैंने तुम्हें? देखो अगर मैं तुमसे नाराज हो गया ना तो फिर कभी बात नहीं करूंगा मैं तुमसे। क्या है, कितनी मर्तबा मना किया कि मेरा नाम मत लो। अच्छा तो कब लिया मैंने तुम्हारा नाम? अच्छा तो ये एमी एमी करके कौन आया अभी? काफी गौर से सुना था तुमने। काम बोलो। हम लोग सब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, अम्मी खाला सिमन तुम भी चली चलो, कुछ खरीद लेना अपने लिए, चूड़ियां वगैरह। मैं फारिग नहीं हूँ तुम्हारी खिदमतों के लिए, 100 काम और भी है मेरे पास। देखो एमी अगर तुम नहीं गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें चलना होगा। कौन आ जा? तुम यहाँ कैसे? कोई प्रॉब्लम थी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, I was just missing you. दिल चाहा मिलने को तो चली आई। वैसे I was calling you. तुमने पिक नहीं किया तो सारा रास्ता पापा से समझ लिया। Nice house. I like old houses. ऐसे गरीब से मोहल्ले, ऐसे घर मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, जैसे कोई आर्ट मूवी देख रहे हो। ये कौन है? मैं एमन, फरीद की फर्स्ट कजिन। अंदर आइए, मैं आपको खालूबा खाला अम्मी से मिलवाती हूँ। नो थैंक यू। फर्स्ट कजिन, खाला जात, बहन बहन, हाँ बहुत खूबसूरत हो। फरीद ने आपको मेरे बारे में बताया होगा? जरूर बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था यू प्रिटी। इससे तो बहुत मसला हो जाएगा। तुम मुझसे मिलने आए थे ना रामा? नहीं तुम एक्चुअली रामा के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ ना सबसे। नहीं थैंक यू, मुझे जिससे मिलना था मैंने मिल लिया, अब चले। कहाँ, शाम हो गई है,
मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ घर वालों के साथ। तो मैं भी तुम्हें शॉपिंग के लिए जाने के लिए आई हूँ। यार फिर कभी चले चलेंगे, अभी घर वालों के साथ जाना है प्लीज। इट्स ओके, आई विल पिक यू अप टुमारो, बाय। मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी है, शफकत है, राहत साहब हैं और ये कामिल साहब। कामिल साहब भाई, शकीला बेगम फहरिस्त तैयार है मेरे ख्याल में, तुम भी एक नजर देख लो इसे। मुझे आपकी याददाश्त पे पूरा भरोसा। अच्छा सुने, वो तारिक मामू और समीना खाला के नाम तो जरूर लिख लिए होंगे आपने, है ना? हाँ हाँ लिख लिए हैं, और उसके अलावा अपने मोहल्ले से ये अलवी साहब, कामिल साहब, जलेबी के दादा और आफरीदी का नाम भी लिख लिया है। आफरीदी साहब, वो भला क्यों आने लगे हमारे घर? अरे क्यों, वो क्यों नहीं आएंगे? तो मौसी ने मेरे जान बचाई उन्होंने मेरी। मौसी जरूर हैं, लेकिन उनके घर में कोई खवातीन है जो हमारे रस्म रिवाज में आके शिरकत करे? अच्छा सुने, वो सेबलिंग, वो ना आपकी होने वाली बहू आई थी। वो मुझे मिलवाया क्यों नहीं? और क्या अपने अब्बा के साथ आई थी? नहीं, अकेली आई थी। हुई ये लोग कहीं भी यूं ही नहीं जाते, वो यहाँ हमारी हैसियत को तोलने आई होगी। वो देखने आई होगी कि जहाँ वो बादशाहत करने जा रही है ना, तो वहाँ की आवाम कैसी है, किस तरह रहते हैं, किस तरह बसर करते हैं। कह दो गरीब से कि मैं अपने घर में इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हो गया आप? कैसी बातें कर रहे हैं? बात का बतंगड़ बनाना कोई आपसे सीखे, हद हो गई। यानी कि बात को कहां से कहां ले गए आप? अच्छा वो पता क्या, फरीद ने ना उसके साथ मिलकर इतनी शॉपिंग की सबके लिए जोड़े लिए, यहाँ तक के जहरा और उसकी बच्चियों के लिए भी ले लिए। वो कपड़े तुम ही पहनना, मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने जोड़े खुद बना सकता हूँ। और मेरे पास वो शेरवानी और कुर्ता पजामा है, मैं वही पहन लूंगा, मेरे लिए काफी है। अच्छा तो फिर मैं भी अपने निकाह का गरारा निकाल के पुराना सा पहन लेती हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे जोड़े नहीं बना के देंगे आप? अरे क्यों नहीं बनाएंगे, चेकबुक दो जरा, दराजों से निकाल कर दो मुझे। सच्ची? हाँ हाँ निकालो, इसीलिए मैं हमेशा सामने रहूं। बजट के अंदर रहते रहते सबके कपड़े बनाना, और हाँ अम्मा का सूट मत भूल जाना, कोई अच्छा सा कलर लेकर आना। अम्मा के लिए कुछ भूला कभी? सिफारिश शारी कर करके तो देख तीन से भी चीर भी बैठी। दुआ ये करें बस के बहू खैर खैरियत से घर आ जाए। अब नहीं, ये दुआ करो कि दुल्हन खैर खैरियत से टिक जाए और हमें भी इस घर में खैर खैरियत से रहने दे। बस हमारी तो अल्लाह से यही दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ हो गया। अच्छा बात सुने, वो बरकत साहब का नाम लिखा। ऐमन? हाँ? बॉस बुला रहे हैं तुम्हें, कोई अर्जेंट काम है, बहुत गुस्से में लग रहे हैं। यार इस मिर्जा हिटलर को गुस्से के अलावा कुछ और भी आता है या नहीं? मिर्जा हिटलर, वाह वाह क्या खिताब दिया सर को। मिर्जा उनकी उर्दू की वजह से और हिटलर उनके गुस्से की वजह से, अजीब सा पैकेज है पता नहीं। यार तुम भी साथ चलो ना। अरे क्यों, तुम्हें डर लगता है? अरे जाओ जाओ, कच्चा नहीं खा जाएंगे तुम्हें। पका कर खा लिया तो? मेरा जौक इतना बुरा नहीं है कि मैं आपको खाऊं, कच्चा या पका कर। सॉरी सर, वो मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि आप यहीं पर हैं। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है आपका, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, वो भी इन हालात में। आप दोनों मुझे मिस अलमास के रूम में मिलिए। मिस अलमास के रूम में क्यों? मेरा हुक्म हुक्म होता है, मैंने जैसा कहा वैसा कीजिए, 5 मिनट में। जी सर।
अरे सिस्टर, फरीद भाई की शादी समझो मेरी शादी। मेरा मतलब है कि मेरे भाई की शादी। सारे मोहल्ले के लड़के सब काम संभाल लेंगे। और आपको पता है कल रात ही मुझे कार्ड आया था। भाई बहुत मजा आने वाला है, तुम्हें पता है मेरे तो 2-3 जोड़े भी बन रहे हैं। मेहंदी में तो हम जबरदस्त धमाल डालेंगे सिस्टर, डांस ढोलक गीत सब मुझे याद है। तुम मुझे ये बताओ, तुम ढोलक तो बजा लेते हो ना? नहीं सिस्टर, ढोलक तो नहीं बजा सकता, लेकिन चमचा और डफ जबरदस्त, और मैं डांस में जबरदस्त हूँ। आपको पता है मुझे भाई की शादी में हम लोग बस भर कर गए थे, और बस में मैंने जो ब्रेक डांस किया है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, शाहिद कपूर वो इंडिया वाला, मेरे सामने कुछ नहीं है सिस्टर। फोन आ रहा है, फोन आ गया। देखो सिस्टर, ये पकड़ो, बाबा का फोन है। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? इतने दिनों से फोन नहीं किया आपने। आपको पता है मैं जलेबी के साथ हूँ अभी। जी बस मैं घर ही जा रही थी कोशिश में। बेटा मैं हैदराबाद गया था, जरा कुछ काम था, आज ही वापस आया हूँ। कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है फरीद भाई की ना शादी तय हो गई है। अच्छा, किससे? वो ना रायमा से तय हो गई है उनकी शादी। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अमीर और बहुत खूबसूरत भी। भाई वो मोइन साहब वाकई बहुत अच्छे और बहुत जबरदस्त इंसान है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम वहाँ खुश तो हो ना? कोई मसला तो नहीं? खुशी का तो पता नहीं बाबा, बस वक्त गुजर रहा है। एमी तो बिजी रहती है और अम्मी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ जल्द से जल्द। हम दोनों बाप बेटी यहाँ रहेंगे, फिर तुम अपनी पढ़ाई भी यहाँ मेरे पास मुकम्मल कर लेना है। क्या कहती हो? हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिलेगी अबू, और खास तौर पर एमी तो मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी। आपको पता है आपके जाने के बाद अब एमी ही घर में सब कुछ देखती है। वो कहती है कि वो ही इस घर का बाप है और बेटा भी, सारी जिम्मेदारियां उसी ने संभाली है। हाँ बेटा, मैं भी तो यहाँ बहुत तनहा हो गया हूँ, कभी जरा अपने बाप के बारे में भी तो सोचो। चले मैं कुछ सोचती हूँ फिर, लेकिन फरीद भाई की शादी के बाद। हाँ चले बाबा, मेरा घर आ गया, अब मैं चलती हूँ, आपसे फिर बात होती है। ओके मेरी जान, अपना ख्याल रखना। तेरी खबजी